भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरेगा। इसमें बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हमारा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाना। ये बातें सोमवार को मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के धोबौली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह से आम सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कही। उन्होंने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना देखा था, जिसे हमें साकार करना है। उन्हीं की देन है कि आज देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पहले मोबाइल फोन बड़े लोगों के पास ही हुआ करता था। उनका सपना था कि हर गरीब के हाथ एक मोबाइल फोन हो। आज उन्हीं की देन है कि अमीर और गरीब सबों के हाथ में मोबाइल फोन उपलब्ध है। अब उनका एक सपना और रह गया है, जिसे हम सबों को मिलकर साकार करना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना साकार करना है। दूसरी पार्टी वाले कहते थे कि रामविलास जी की पार्टी का चिराग अब लगभग बुझ चुका है, लेकिन एक चिराग अब भी जिंदा है जो पार्टी को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने में लगा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने में मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक कि बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्य जाकर पढ़ाई करने की मजबूरी खत्म न हो जाए। बिहार के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्य में जाने की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में कारगर पहल की दरकार है। देश और दुनिया में बिहारियों का ही सबसे ज्यादा योगदान है और हमेशा दिखती रहे। उन्होंने कहा कि चिराग अकेला ये सपना साकार नहीं कर सकता, इसके लिए हमें आपका साथ जरूरी है। इसके लिए एनडीए की सरकार को मजबूती से चुनना होगा। कार्यक्रम का संचालन लोजपा आर के जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान, बिहार चुनाव अभियान प्रमुख सुरेंद्र विवेक, पंचायती राज प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा देवी, पूर्व विधायक राम विनोद पासवान, जिला प्रभारी अभय कुमार, राजकुमार पासवान आदि थे। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। ये पार्टी जनता के साथ जुड़ी रही है। पिछले 3 साल लगातार मैं लोगों के बीच रहा। ऐसे में जरूर चुनाव के बाद जब से मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी केंद्र में प्रधानमंत्री के द्वारा, मुझे केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी मिलने के बाद जरूर इन कार्यक्रमों में थोड़ी कमी आई थी, पर इसके बाद पुनः उसी सिलसिले को हम लोगों ने शुरू किया है और वापस से लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। इसी तरीके से जनता के बीच रहकर उनके साथ जुड़कर उनकी समस्या का समाधान केंद्रीय स्तर पर राज्य के स्तर पर करने का कार्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। इसकी शुरुआत बेगूसराय के मटिहानी से हम लोगों ने की। जैसा अपने संबोधन में भी मैंने कहा कि 2020 में मटिहानी विधानसभा वो विधानसभा है जो विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों ने जीतने का काम किया। ऐसे में बेगूसराय के मटिहानी से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। आने वाले दिनों में बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में कोशिश है चुनाव से पहले 245 सारी की सारी विधानसभाओं को हम लोग कवर कर सके। इस सोच के साथ आज से पुनः हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान की हम लोगों ने शुरुआत। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल पा रहा है। विपक्ष चाहता है, विपक्ष का सपना है, पर मैं बता दूं कि विपक्ष का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। एनडीए गठबंधन एकजुट है मजबूती से, ना सिर्फ ये 5 साल, ना सिर्फ अगले विधानसभा के बाद हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे, ना सिर्फ ये 5 साल का कार्यकाल हम लोग पूरा करेंगे, बल्कि 2029 में भी एनडीए गठबंधन ऐसे ही चुनाव लड़ेगा और 29 की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी।